दोस्तों, मुंबई में 19 जनवरी 2019 को यानी पिछले ही हफ्ते शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने करकमलों के द्वारा नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा का लोकार्पण किया। इस उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड के लगभग सभी बड़े बड़े स्टार सेलिब्रिटीज उपस्थित थे और ओपनिंग के 3 दिन बाद ही मुझे इस म्यूजियम में जाने का मौका मिला। भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से बस आधे घंटे की दूरी पर है। सीएसएमटी स्टेशन पर उतरने के बाद आपको बस स्क्रीन पर दिया ये एड्रेस टैक्सी वाले को बताना है और आधे घंटे के अंदर आप इस संग्रहालय में पहुँच जाएंगे। टैक्सी से करीब 80 रुपये आपको भाड़ा लगेगा। 1 फरवरी तक यहाँ पर इस म्यूजियम को देखने के लिए कोई टिकट प्राइस भी नहीं रखा गया है और 1 फरवरी के बाद भी केवल नाम मात्र कुछ 20 रुपये के करीब टिकट प्राइस रहेगा भारतीय नागरिकों के लिए। चलिए अब चलते हैं अंदर। ये जो ग्रीन कांच वाली बिल्डिंग आपको दिख रही है, हम इसमें हैं अभी। ये म्यूजियम नंबर 1 है और उसके साइड में ये है गुलशन महल, ये है म्यूजियम नंबर 2। अब चलिए हम अंदर चलते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर अंदर आने के बाद में सबसे पहले आपको दिखेगा ये रिसेप्शन। आपकी बाई साइड में है ऑडिटोरियम 1, आपके लिए नहीं है, यहाँ पर सेंसर बोर्ड के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग चलती है, यानी वो काट छाट वाला काम यहाँ पर होता है। फिर यहाँ से आप आगे आएंगे तो आपकी दाई साइड में है ऑडिटोरियम 2, यहाँ पर भी सेंसर बोर्ड के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग ही चलती है, बाकी ग्राउंड फ्लोर पर देखने से कुछ भी नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं ऊपर। ऊपर आने के लिए लिफ्ट भी है, सीढ़ियाँ भी है और स्वचलित सीढ़ियाँ भी है जिससे अभी हम आए, जो कि बंद थी। अभी हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पर। यहाँ पर गांधी और सिनेमा, इनके बीच के रिश्ते पर प्रकाश डाला गया है। चलिए अंदर चलते हैं। गांधी जी द्वारा देखे गए कुछ नाट्य फिल्में और उनके बारे में उनके विचार और आज तक वर्ल्ड सिनेमा में गांधी जी को किन किन फिल्मों में और कैसे कैसे दिखाया गया है, ये सब कुछ आपको इस फर्स्ट फ्लोर पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गांधी जी का आदर्श रामराज्य। रामराज्य फिल्म के कुछ दृश्य यहाँ पर प्रोजेक्टर पर चलाए जा रहे हैं और सामने ही खुद महात्मा गांधी बैठे हुए हैं। डरिए मत, असली वाले नहीं हैं, उनकी प्रतिकृति बनाकर यहाँ पर बिठाई गई है और बाजू में ही एक कुर्सी भी है जिस पर बैठकर आप गांधी जी के साथ में सेल्फी भी ले सकते हैं रामराज्य देखते हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं महात्मा गांधी जब चार्ली चैपलिन से मिले थे उस भेंट के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर नीचे आप ये पढ़ भी सकते हैं, काश सुभाष चंद्र बोस जी, वीर सावरकर जी, भगत सिंह जी, इन्हें भी सिनेमा के साथ में इतना जुड़ने का मौका मिलता तो शायद वर्ल्ड सिनेमा पर उनके विचारों की भी छाप हमें देखने को मिलती। चलिए फर्स्ट फ्लोर तो कम्प्लीट हो गया है, अब हम ऊपर चलते हैं। ये आ गए हम सेकंड फ्लोर पर। यहाँ से पोस्टर अच्छे से दिखेंगे, अनमोल घड़ी और अवघाची संसार। चलिए सेकंड फ्लोर पर है बाल फिल्म स्टूडियो। यहाँ पर साउंड डिजाइन के बारे में बच्चों को समझाने की कोशिश की है। उसके बाद यह है स्टॉप मोशन एनिमेशन, यहाँ पर आप डायरेक्टली खुद एनिमेशन बनाकर भी देख सकते हैं और ये है डबिंग प्लेबैक। चलिए स्टॉप मोशन एनिमेशन को हम जरा ट्राई करके देखते हैं। रिसेट, ये पहली फ्रेम हमने ये कैप्चर कर ली, फिर ये सेकंड, फिर कैप्चर, फिर उसके आगे फिर कैप्चर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने इतनी सारी फ्रेम्स ये कैप्चर कर ली है। धीरे 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 आगे ये घोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है। अब हम ये कैप्चर करने के बाद सीधा प्ले बटन दबाते हैं। ये मैंने दबा दिया, देखिए कितना जोर से दौड़ रहा है घोड़ा। ये
ये मैंने बहुत दूर दूर रखे इमेजेस कैप्चर करते समय, इसलिए वो इतना तेज़ी से दौड़ रहा है। या इसके बाद में ये ग्रीन स्क्रीन का सेक्शन है, जहाँ पर स्पेशल इफेक्ट्स के लिए ग्रीन स्क्रीन का उपयोग कैसे किया जाता है ये हम खुद ट्राई करके देख सकते हैं। यहाँ पर ये वर्चुअल मेकओवर का कुछ है, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा। टच हियर टू टच द स्क्रीन टू बिगिन, पता नहीं कुछ हो नहीं रहा। यहाँ पर कोई है भी नहीं बताने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। ये है लाइट, कैमरा और एक्शन। यहाँ पर आप इस कैमरे के जरिए वीडियो शूट करके उस वीडियो को नीचे दिए गए स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरीके से। अब हम आ गए हैं थर्ड फ्लोर पर, प्रौद्योगिक सृजनशीलता और भारतीय सिनेमा, टेक्नोलॉजी क्रिएटिविटी एंड इंडियन सिनेमा। चलिए अंदर चलते हैं। इस फ्लोर पर फिल्म निर्माण में जिन भी साधनों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कैमरा, लेंसेज से लेकर साउंड मिक्सिंग और फिल्म एडिटिंग तक, इन साधनों में मशीन्स में समय के साथ कैसे बदलाव होता गया वो हमें दिखाया है। साथ में ही ऐसे छोटे से लेकर बड़े सारे साधन मशीन यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर ये कैमराज है अलग अलग समय के, और उनकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। आप देख सकते हैं ढेर सारे अलग अलग कैमराज यहाँ पर रखे गए हैं। फिर यहाँ पर आगे ये है लाइट्स का सेक्शन, अलग अलग समय जो लाइट्स यूज़ किए जाते थे शूटिंग के लिए, लाइट्स और लेंसेस, ये लैम्प्स और लाइट्स, बल्ब्स। ये एनिमेशन टेक्निक का सेक्शन है, ये ऑक्सिबरी एनिमेशन कैमरा है, देख सकते हैं कितना बड़ा कैमरा है ये। फोटोफोन 35mm विंटेज मूवी प्रोजेक्टर। फिर यहां पर भारत में 3D की शुरुआत कब और कैसे हुई उस बारे में यहां पर जानकारी दी गई है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत की सबसे पहली 3D फिल्म 1984 में आई हुई माय डियर कुट्टी चेतन की जानकारी यहाँ दी गई है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सत्यजीत रे और उनके कैमरे। इसके बाद ये है 40 साल पुराना एक मैग्नेटिक रिकॉर्डर। इसके बाद साउंड मिक्सिंग और एडिटिंग के लिए जिन उपकरणों का उपयोग किया जाता था वो यहाँ पर आगे आपको देखने को मिलेंगे। और ये है 1913 में दादा साहेब फाल्के जी द्वारा बनाई गई भारत की सबसे पहली साइलेंट फिल्म राजा हरिश्चंद्र।
अब हम आ गए हैं फोर्थ फ्लोर पर। ये जो सामने आप तंबू देख रहे हैं, पुराने समय में थिएटर की जगह जत्रा में या अलग अलग जगहों पर टेंट के अंदर फिल्म्स दिखाई जाती थी, तो उसकी ही याद में ये एक प्रतिकृति तैयार की गई है तंबू टेंट सिनेमा की। दोस्तों, अब हमारी हरी कांच वाली जो पहली चार मंजिला बिल्डिंग थी वो पूरी हो गई है म्यूजियम नंबर 1, और अब हम आ गए हैं म्यूजियम नंबर 2 में, जिसका नाम है गुलशन महल।